नमस्कार मित्रों, आज का जो हमारा विषय है उसमें हम धर्म और रिलीजन के मध्य अंतर को समझेंगे, क्योंकि यह शब्द सामान्य तौर पर एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। मित्रों, मोटे मोटे तौर पर हम दो विभाजन करते हैं। एक अब्राहमिक धर्म है। अब्राहमिक धर्म का अर्थ हुआ जिनका पैगंबरी पद्धति में विश्वास है और मूल रूप से जो यहूदी परंपरा में बाद में आते हैं। तो भारत में हमने धर्म शब्द का व्यवहार किया है, लेकिन वह धर्म किसी सेक्ट के अर्थ में, किसी विशेष मान्यता में चलने वाले लोगों के समूह के रूप में नहीं है, बल्कि यहाँ धर्म बड़ा व्यापक अर्थ रखता है। धर्म का एक अर्थ होता है जो सभी को धारण करता है। तो जिस अर्थ में रिलीजन या दीन प्रयुक्त होता है उसके लिए हमारे यहाँ शब्द हैं संप्रदाय या मत। लेकिन धर्म शब्द को रिलीजन के अर्थ में व्यवहृत करना एक नासमझी भरा कार्य है, और इस नासमझी के इतने बड़े दुष्परिणाम हुए हैं कि हमने जो सनातन धर्म था उस सनातन धर्म और जो नाना पंथ हैं उन नाना पंथों को एक ही समझ लिया है। तो जिसको हम इस्लाम कहते हैं या यहूदी कहते हैं या क्रिश्चियन कहते हैं, ये सब रिलीजन या मजहब की कैटेगरी में आते हैं, किंतु धर्म एक अत्यंत भिन्न बात है। धर्म में निजता भी शामिल है और बाहरी दुनिया भी। आप देखें तो जिसको हम सनातन कहते हैं उस सनातन में एक प्लूरिस्टिक वे है, बहुत सारी चीज़ों को स्वीकार करने की जो बात है। तो ये जो विज़न है, ये विज़न दुनिया की जो अशांति है उस अशांति को हल करने का सूत्र है। जबकि अन्य कई मज़हब हैं जिनके पास ये पक्का भरोसा है कि उनका ज्ञान ही सार्वभौम ज्ञान है। कितने धर्म तो ऐसे हैं, माफ़ करें, जब भी मैं धर्म कहूँगा तो इस समय पे आप इसको रिलीजन या मत मजहब ही समझेंगे। तो कितने ऐसे मज़हब हैं जो ये समझते हैं कि उनके पास ही अंतिम सत्य है और इसी का पालन करना व्यक्ति का कर्तव्य है। यदि व्यक्ति इसके विरुद्ध जाता है तो उसे काफिर कह दिया जा सकता है, उसे पथभ्रष्ट कहा जा सकता है। और कई ऐसे संप्रदाय हैं जो इस तरह के व्यक्तियों की हत्या को भी जायज ठहराते हैं। जबकि ऋग्वेद में आप देखें तो एक छोटी सी प्रार्थना आपको दिखाई पड़ेगी जिसमें ऋषि कहते हैं एकम सत विप्राम बहुधा बदन्ति। सत एक है, उसको विद्वान लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं। या कभी आप देखेंगे रुचि नाम वैचित्र रुज कुटिल नाना पथ जुषाम नृणामेको गम्यस तुम भी पै सामर रव इव। यानी लोग अपनी अपनी रुचियों के अनुसार भिन्न भिन्न मार्गों का अनुकरण करते हुए अंत में उसी महान समुद्र की तरफ पहुंचते हैं। तो एक ये विज़न है जो कहता है रास्ते बहुत हो सकते हैं,
और एक हठधर्मिता है जो कहती है कि रास्ता सिर्फ यही है। आपको क्रिश्चियन, यहूदी और जिसको आप रिलीजन कहते हैं उसका मतावलंबी होने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा। यदि आप उसका पालन नहीं करते हैं तो आपको उस धर्म से बहिष्कृत समझा जा सकता है। लेकिन हिंदू, जिसको आप कहते हैं आज के ज़माने में, या इसका शुद्ध नाम सनातन है, तो ये जो सनातन है, इस सनातन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो कहता हो कि आप अमुक कार्य करने पर ही, अमुक कार्य करने पर ही आप हिंदू हैं। तो एक यह अंतर आप देख सकते हैं। अन्य जो मत हैं वो मत इंस्टीट्यूशनलाइज हैं, वो कहीं एक जगह से गवर्न होते हैं, लेकिन सनातन परंपरा के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ संस्थाएं तो हैं लेकिन संस्थाएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं जितनी अब्राहमिक धर्मों में हैं। तो आशा है मित्रों कि आप रिलीजन और धर्म के बीच के महत्वपूर्ण अंतर को समझ गए होंगे। यदि इसके संबंध में आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको प्रेषित करें और हम अब हिंदू धर्म पर एक श्रृंखला आगे चलाना चाहते हैं। इसके संबंध में आप अपने सुझाव भी प्रेषित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।